मुल्क पर जब अंग्रेज़ों का तसल्लुत हो गया तो उससे आज़ादी के लिए, अंग्रेज़ों के तसल्लुत से खुलासी के लिए मुख्तलिफ जहतों से लोग कोशिश कर रहे थे। खिलाफत मूवमेंट भी थी, उसके इजलास हुआ करते थे। वहीं से हमारे उलमाए किराम के जहन में ये चीज़ आई कि क्यों ना मुल्क के तमाम तर उलमा को एक प्लेटफार्म पर जमा किया जाए। इस बुनियादी ख्याल में तीन लोग शरीक थे, मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली, मौलाना अबुल महासिन सज्जाद साहब और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब। तो इस ख्याल को अमली जामा पहनाने में सबसे ज़्यादा कोशिशें जो की हैं वो मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने की हैं, इसलिए उनको दफ्तरी तौर पे, ऑफिशियल तौर पे जमात का बानी समझा जाता है। और ये जो प्रोग्रामात हुए, जमात का आगाज़ हुआ है 1919 में, खिलाफत के भी जलसे होते थे साथ ही में, इसका भी एक जलसा हुआ, उलमाए किराम जमा हुए, पहले दिल्ली में, फिर अमृतसर में, और उसके बाद एक सिलसिला चलता रहा, जमात वजूद में आ गई। गांधी जी का जो नज़रिया था कि हमको असलहे से नहीं लड़ना है, हमको फ़िक्री तौर पे कोशिशें करना है, तो ज़ाहिर बात है जंग का मतलब वो वाली जंग नहीं है कि उसमें खून खराबा हो, खून रेजी हो, एक फ़िक्री चीज़ें थीं। उस वक्त जो तरीक़ेकार थे उसी को अपनाया जाता था, जिसमें यह है कि हम मुल्क दुश्मन जो कवानीन बनते थे अंग्रेज़ों के, उनकी मुखालिफत करते थे, उनके ख़िलाफ़ एहतजाजात होते थे, और लोग उस कानून से, कानून को तोड़ने के लिए कोशिश करते थे। बहुत सारी तहरीकें हैं ऐसी, तो जमीयत भी उन तमाम तहरीकों में शामिल रही है और मुसलमानों की तरफ से काफ़ी नुमाइंदगी की है। अवलिन तौर पे फ़िक्र तो शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की थी, लेकिन वो चूंकि एक मंसूबे के तहत काम कर रहे थे और उनको सऊदी में गिरफ़्तार करके माल्टा में जेल में रखा गया था, तो उसके बाद उनके शागिर्दों ने, जो उनके जानशीन थे, उन लोगों ने काम किया और जमीयत को, जमीयत का क़याम हुआ। और फिर रफ्ता रफ्ता बहुत सी शख्सियात आईं जिन्होंने जमीयत को तरक्की दी और मकासद के हुसूल में कोशिशें की हैं। मसलन बुनियादी तौर पे वही थे मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, मौलाना अहमद सईद दहलवी साहब और मौलाना अबुल महसिन सज्जाद साहब। उसके बाद मौलाना हुसैन अहमद मंदी रहमतुल्लाह अलैह का एक काफ़ी किरदार है, उन्होंने फ़िरका वाराना हम आहंगी के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा किया है कि मुल्क एक सेकुलर मुल्क रहे, जमहूरियत के लिए उन्होंने कोशिशें की। और उसके बाद मौलाना फ़खरुद्दीन साहब मुरादाबादी थे, इसी तरीके से मौलाना असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह। आप उस वक्त की तारीख़ को देखेंगे तो किसी भी कौम की तरक्की के लिए जिन जिन वसाइल और जिन जिन शोबे जात की ज़रूरत होती है, जमीयत के अकाबरीन ने उन तमाम शोबों को कायम किया और उन तमाम शोबों के ज़रिए कोशिशें की हैं। आज़ादी से पहले जमीयत के कुछ मकासद थे कि मुल्क को आज़ाद करना है, यानी जुमला मकासद में तरजीह ये थी कि हमको मुल्क से अंग्रेज़ों को निकालना है। उसके बाद जब मुल्क आज़ाद हो जाता है, बुनियादी तौर पे जमीयत तकसीम के ख़िलाफ़ थी और तकरीबन पार्लियामेंट में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब के दस्तखत भी हैं, जो जिन्होंने अपोजिशन का दस्तखत किया है कि हम इस तकसीम को नहीं कबूल करते हैं। लेकिन आज़ादी के बाद जब मुल्क तकसीम हो जाता है, उस वक्त के मसाइल दूसरे थे। मुसलमानों का, मुसलमानों की बका, उनकी तरक्की, उनके मज़हब, उनके शायर, उनका कल्चर, इन सब का तहफ़्फ़ुज़ और नित नए जो रोज़ रोज़ नए नए मसाइल आते थे सियासी, उनका, उनसे सामना करना, तो वो मसाइल आज भी बरकरार हैं। तो जमीयत का जो इस वक्त के अहदाफ हैं जमीयत के और जमीयत के मकासिद हैं, वो यही हैं कि मुसलमानों को जहाँ जहाँ सियासी तौर पे परेशानी आ रही है, उनसे कोशिश करके इज्तिमाई तौर पे वो परेशानियाँ दूर की जाएं। जैसे इससे पहले जो एजुकेशन बिल आया था, राइट टू एजुकेशन, उसमें मदरसों के ख़िलाफ़ एक चीज़ थी तो उसको निकलवाया। इससे पहले वाजपेयी गवर्नमेंट में एक मदरसों ही के ताल्लुक से, मसाजिद के ताल्लुक से एक बिल आया था, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की और उस बिल को वापस कराया। आज भी तकरीबन उसी टाइप के मसाइल हैं और उनके लिए जमीयत अपनी मुस्तकिल जद्दोजहद कर रही है और कोशिश में है। एक आम मंजरनामा ये बना हुआ है कि उलमाए किराम ने असरी उलूम, समाजी उलूम की मुखालिफत की है, हालांकि अगर आप तहकीक करेंगे तो ऐसी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। आप अव्वलीन दौर को देखेंगे तो जो अकाबिर हैं, जो जमीयत के बानियान हैं या दारुलूम के बानियान हैं, उन लोगों ने कोशिशें की हैं कि समाजी उलूम से भी तमाम मुसलमानों को वाबस्ता किया जाए, जोड़ा जाए, जिसका अव्वलीन कदम जामिया मिल्लिया इस्लामिया का क़याम था। उस वक्त शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की कोशिश थी, उनका एक नज़रिया था और उन्होंने उस कमेटी में शिरकत की, उसके बुनियादी मेम्बरान में से वो रहे
और सिर्फ वही नहीं, उसके बाद भी जमीयत ने बहुत कोशिशें की कि यहाँ का मुसलमान असरी उलूम, दीनी उलूम के साथ साथ असरी उलूम से भी जुड़े सीखे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि जमीयत की तरफ से स्कूल कायम किए गए हों या यूनिवर्सिटियाँ बनाई गई हों, क्योंकि ये नज़रिया नहीं था और जमीयत के कामों में इस टाइप का काम नहीं था। अलबत्ता जमीयत के बुज़ुर्गों ने, अकाबरीन ने, जो मुल्क में तालीम दोस्त लोग थे, उनको काफ़ी उभारा और उनसे कहा कि आप ऐसा काम करें, पर जिन्होंने किया है, ऐसा भी नहीं है कि असरी उलूम में मुसलमान यहाँ के पीछे हैं, लेकिन जितनी कोशिशें होना चाहिए वो कोशिशें उतनी हो नहीं सकी। अपनी फ़िक्र को रिवाज देना, दूसरों तक पहुंचाना, उसके लिए जमीयत ने एकदम बुनियादी तौर पे सबसे पहले मुस्लिम अखबार निकाला। 1919 और 22 की बात है ये, और मुस्लिम के बाद अखबार निकलता है अलजमीयत, और अलजमीयत सहरोज़ा और रोज़नामा होते हुए अखीर तक आता है, 1984 तक चलता रहता है। उसके बाद मसावात निकलता है, ख़बरनामा निकलता है, फिर अलजमीयत अखबार हफ्तरोज़ा हो जाता है। तो मीडिया की जो ज़रूरत होती है अपनी फ़िक्र को मुआशरे में तरवीज देने के लिए, बहुत अहम चीज़ होती है, और जमीयत ने उस पर काफ़ी कोशिशें की हैं, इसकी अहमियत को जाना है और इतने अखबार कायम किए हैं, निकाले हैं। जमीयत की जुमला कोशिशों में से एक लाइब्रेरी भी का भी क़याम है, जहां आप इस वक्त बैठे हुए हैं, ये जमीयत की लाइब्रेरी है। और इसका तसव्वुर ये था, क्योंकि हमारी कौम में मुताला और रीडिंग की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर आप वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे तो इंडिया का एक किरदार है भारत का, लेकिन मुसलमानों का किरदार देखेंगे तो वहाँ पे मुताले की बहुत कमी है। इन्हीं चीज़ों को दूर करने के लिए, इससे निपटने के लिए जमीयत ने लाइब्रेरी कायम की, और ये बहुत पुरानी लाइब्रेरी है, कदीम, यहाँ पे 100-150 साल पुरानी किताबें हैं। जमीयत का अपना लिटरेचर है, इसके साथ साथ जो इस्लामी माखिज़ हैं, मसादिर, बुनियादी हवाले के लिए, रेफरेंसेस के लिए, वो शायद दिल्ली में इतने रेफरेंसेस कहीं और मौजूद हों जो यहाँ मौजूद हैं। और एक अहम लाइब्रेरी है, अलजमीयत का पूरा यहाँ अखबार मौजूद है, उस वक्त के मुआसिर बहुत से और रोज़नामे मौजूद हैं यहाँ पे, कदीम किताबें हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। अलबत्ता चूँकि इस्लामिक पस मंज़र है तो ज़्यादातर किताबें इस्लामिक हैं और मुस्लिम पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं। ये हिंदुस्तान में इस्लामी सियासत का क्या किरदार रहा, कौन लोग शरीक रहे, क्या उसके नतायज थे, किस तरीके की कोशिशें की गई हैं, क्या सियासत थी, उस ताल्लुक़ से यहाँ काफ़ी मवाद है। और जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, यहाँ से बहुत से ऐसे स्कॉलर जो मुस्लिम पॉलिटिक्स पे रिसर्च करते हैं, उनकी आमदोरफ्त होती रहती है।